आगे आने वाले समय के लिए, हमेशा के लिए, हर चीज के लिए इससे खत्म कर देंगे। पाकिस्तान द्वारा पोषित जो संगठन है उनके द्वारा ये हमला किया गया है। कोई भी मैच इंडिया पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। दूसरों से उम्मीद रखना, जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद की तरफ है। ऐसी फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और ढूंढ ढूंढ के इन्हें मारा जाए। 9 जून को एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने हमला कर दिया यात्रियों की बस पर। और वो जो आतंकी बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। कुछ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जांच में ये बात साफ हुई है। ऐसे में पाकिस्तानियों के खिलाफ भारतीय लोगों में गुस्सा व्याप्त हो गया है। उनके खिलाफ गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अब जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने चालू कर दिए हैं। श्रेष्ठ यूपी ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में पहुंचा है जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन भी किया और पाकिस्तान के ऊपर जो है आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं कि जो पड़ोसी देश है वो किसी ना किसी तरीके से भारतीय लोगों पर क्यों इतना ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है कि आतंकियों से यात्रियों के ऊपर हमले कराए जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ मौजूद लोग हैं यहाँ पे जो हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। चलते हैं बातचीत करते हैं कुछ। क्या नाम आपका? रविंदर कौशिक। रविंदर जी ये बताइए कि जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है गुस्सा अब भारतीय लोगों में जो है बढ़ता चला जा रहा है। आतंकियों ने यात्रा जो कर रहे थे श्रद्धालु उनकी बस के ऊपर जो है हमला किया, तो क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान का ही इसके पीछे हाथ है? भैया ये तो समाचारों में भी निकल चुका है कि इसमें पाकिस्तान के किसी संगठन ने इसका कबूलनामा कराया कि ये जो अटैक हुआ वो हम लोगों ने कराया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि हम लोग जो पाकिस्तान की टीम के साथ हमारे जो मैच हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैच बंद हो जाने चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब से हारते रहते हैं और हारने के बाद जो गुस्सा निकालते हैं वो भारत के ऊपर आके आतंकियों को भेजकर मार काट के रूप में ही अपना बदला करते हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि इन पाकिस्तान वालों से आगे आने वाले समय के लिए, हमेशा के लिए, हर चीज़ के लिए रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए, चाहे वो मैच में हो, चाहे लेन देन मतलब व्यापार में हो या किसी भी उसमें, तो ये ख़त्म कर देनी चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि उन्होंने आतंकी पाल रखे हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो छुटमुट जो रिलेशन है, वैसे तो विरोध है ही लेकिन जो छुटमुट रिलेशन है वो भी खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा। नहीं तो इस तरीके से ये आने वाले टाइम में, अभी तो इन्होंने पहले भी पुलवामा वाला अटैक करा था, उसके बाद में अब ये अटैक कर दिया, तो उन्होंने तो एक नीति बना रखी है कि हारो और उसका बदला मार काट के रूप में। क्या नाम आपका? ये मेरा नाम सोनू शर्मा है। और जिस तरीके से ये अभी 9 तारीख में रियासी में जो आतंकवादी हमला हमारे तीर्थयात्रियों के ऊपर हुआ है, तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान द्वारा पोषित जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान द्वारा पोषित जो संगठन है उनके द्वारा ये हमला किया गया है। और इस हमले के पीछे जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो जितने भी ये विरोधी हैं, विरोधी लोग हैं, मुस्लिम आतंकवादी संगठन है, इसमें एक बहुत इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से इन लोगों द्वारा, इनके संगठनों द्वारा फंडिंग की जा रही थी हमारे देश में और कोशिश की जा रही थी किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने एक ऐसा एक सॉफ्ट टारगेट चुना कि जो हमारे तीर्थयात्री बेचारे अपना एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे, उनको एक सॉफ्ट टारगेट समझ कर उन पर एक हमला किया, जिसमें से 10 लोगों की निर्मम हत्या इन लोगों ने कर दी गई है। तो ये पाकिस्तान द्वारा इन लोग मेरठ के भी उसमें शामिल थे, घायल जो हुए हैं, जो घायल हुए उनमें मेरठ के भी लोग हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। और हम चाहते हैं कि, और दूसरा मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद ना हो। ये जो इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं इसके जरिए भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पोषण मिलता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो PCB इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाती है, तो हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी मैच का पूरा बहिष्कार कर देना चाहिए। कोई भी मैच इंडिया पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। एक रुपए की सहायता भी भारत के द्वारा या भारत के द्वारा किसी मैच के द्वारा पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से पुराने आतंकवादी हमलों पर एयर स्ट्राइक इत्यादि करके इनको सबक सिखाया गया था, एक एयर स्ट्राइक इन पाकिस्तान के आतंकवादियों पर फिर करनी चाहिए और इन्हें सबक सिखाना चाहिए। सीधी सी बात एक है, जो गए जो मरे हैं वो मेरे परिवार के थे, और परिवार ऐसे था क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ,
और अभी जो प्रधानमंत्री जी को जितनी भी वोटें मिली हैं या जो भी परिस्थितियां चली हैं, इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने भी ये देख लिया है कि परिवार ही परिवार के काम आ सकता है, दूसरों से उम्मीद रखना आपकी अपनी मंदबुद्धि या बेवकूफ़ी कहलाएगी। ठीक है, क्या नाम भाई साहब? अच्छा जी, आपका नाम? राकेश गोस्वामी। तो राकेश जी, आपकी क्या राय है, क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, आप क्या इसमें राय रखना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, या फिर क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए? आतंकवादियों को कुचला जाए, जैसे पहले इन्हें स्ट्राइक करके मारा गया, फिर दोबारा से इन पर अटैक किया जाए, मेरी तो यही बात है। ठीक है जी। बाबूजी, क्या नाम है? मुझे विजय कुमार कहते हैं। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा भारत पाकिस्तान के जो ये ताल्लुक रहते हैं बहुत ख़राब रहते हैं, रिश्ते बहुत ख़राब। इनके पाकिस्तान के अगेंस्ट के खिलाफ हूँ पहले से ही, और मैं तो ये चाहता नहीं कि भाई पाकिस्तान जो है वो इसमें घुसे या ये पाकिस्तान को साथ में रखें, इसको पाकिस्तान को काट दिया जाए। जितने भी आदमी इनके अभी इन्होंने बदतमीजी करी है, मारे हैं लोगों को, वो हमारे यहाँ के आदमियों को मारे हैं, तो उनको मार दिया जाए तुरंत। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद में पाकिस्तान से उनके शुभकामना संदेश आए हैं। उनके तो संदेश आएंगे ही आएंगे कि भाई तीसरी बार ये बने हैं इसलिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है थोड़ा बहुत ये भी इन्होंने वो किया होगा, इसलिए जो है जरा हमारा आ गए। जो जिस जगह हमला हुआ है रियासी, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेफ जगह है वो, उस जगह पे उससे पहले कभी आज तक हमला नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि कितनी बड़ी रणनीति रही होगी ये आतंकी संगठनों की, और कितनी कमी आप ये मानते हैं कि क्या भारतीय सेना की तरफ से भी रही या जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी होंगे उनकी तरफ से भी रही? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा भैया कि जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद की जननी है। हमेशा हर आतंकवादी का जो उसका अपना वो आधार है, उसका जो अपनी आईडी है, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से ही आतंकवादी निकलते हैं और वो वहीं से निकलते हैं और हमारे देश में आके हमले करते हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी रणनीति रही है। अब से पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब लोगों ने बहुत कोशिश करी पाकिस्तान संबंध अच्छे बनाने की, लेकिन पाकिस्तान का कहीं से कहीं तक भी भारत के साथ संबंध रखने का ना तो उनकी इच्छा है ना ही हमारी इच्छा है कि हमारे साथ संबंध रहें। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ से उनका दाल चीनी राशन जाता है उसे सरकार को बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से, जो है बिल्कुल बायकॉट कर दे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों का। ये लोग ना तो इस लायक कि हम इनसे संबंध बनाएं और ना ही इन लोगों की सोच है ऐसी कि हम इनसे संबंध रखें। और ये जो हमारे हिंदू भाई मरे हैं, तो बड़ा दुख का वो है, हम तो बहुत इसमें शोक वो है स्तब्ध हैं कि जो है हमारे जो नौ हिंदू भाई जो है धार्मिक यात्रा जा रहे थे वो मारे गए हैं, जो है वो 3 मिनट के भी तो हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसे तो जो है तुरंत ही इन्हें जो सरकार को इस इन्हें ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए, जहाँ भी छिपे हुए हैं आतंकवादी, सरकार को एयर स्ट्राइक करके कैसे भी करके भारत सरकार को इनको ढूंढ ढूंढ के मारे और निकाल निकाल के मारे। हाँ, सब इसमें मिले हुए ही हैं वो सब लोग, वो चाहते हैं कश्मीर के मुद्दे पर उनकी अंदर जो घृणा है दो वो है, वो सबको जग जाहिर है, वो सब लोग एक ही हैं, लेकिन वो सब मिले हुए हैं हमारे पे ये अटैक जो कर रहे हैं, इसीलिए हम उस पर जो है ये है कि उनको ढूंढ ढूंढ के हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील है, जैसे पहले इन पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी ऐसे ही फिर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और ढूंढ ढूंढ के इन्हें मारा जाए। हमारे देश के जवान बड़े, एक फौजी जगता है तो हम सोते हैं, सटोरिया जगे मर जाए, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा, हमें सत्ते से कोई मतलब नहीं है। हमारा देश बचना चाहिए, देश का फौजी बचना चाहिए, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। एक बार फिर एयर स्ट्राइक की मांग है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो देखिए, जो ये है हमला रियासी में हुआ है, जनता की एक बार फिर मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, जैसा उरी अटैक हुआ था घर में घुसकर मारा था, ठीक इसी तरीके से मांग है कि एक बार फिर वो अटैक हो और घर में घुसकर उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए जिन्होंने उन श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया जो दर्शन करने जा रहे थे। ये मांग है एक बार फिर नई बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी से। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।